नमस्कार दोस्तों, अभी हम जो है उदगीर स्टेशन पर है और अभी हम निकल चुके हैं उदगीर स्टेशन से परभनी यूनिवर्सिटी को। तो गाइस पीछे आप देख सकते हो उदगीर का स्टेशन है, 3:41 टाइम हो चुका है। तो आगे आपको जो है यूनिवर्सिटी का पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से हम अभी ट्रेन आने वाली है 4 बजे, तो हम यहाँ से निकल पड़ेंगे परभनी के लिए। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो अब हम इसी ट्रेन से यूनिवर्सिटी को रवाना होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अभी हमारी ट्रेन जो है परभनी जंक्शन पर आ चुकी है, तो यहाँ से हम निकलेंगे यूनिवर्सिटी को। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर अंबेडकर चौक में परभनी का स्पेशल खिचड़ी सेंटर है, तो हमने ये खिचड़ी ट्राई की और बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट है। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ है। तो दोस्तों यहां से यूनिवर्सिटी तक का सफ़र जो है हम प्राइवेट वाहन से करेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ जाते समय हमें छत्रपति शिवाजी महाराज चौक लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ परभनी का नज़ारा है। जो परभनी की विशेषता है वह वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है। परभनी को मराठी में एक विशेषता, एक स्लोगन से जाना जाता है कि जगात जर्मनी आणि भारतात परभनी। 3 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम यूनिवर्सिटी के गेट के सामने आ चुके हैं। इस गेट को काली कमान नाम से भी जाना जाता है, ज्यादातर लोग इस कमान को काली कमान कहते हैं। काली कमान कहने की मेन वजह ये पिरामिड है, इसका कलर काला है, इस वजह से भी इसको काली कमान कहा जाता होगा। काली कमान से एंटर करते ही लेफ्ट साइड में आपको कृषि विज्ञान केंद्र दिखाई देगा। इस विज्ञान केंद्र में आपको यूनिवर्सिटी तथा एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अभी जो है हम काली कमान से एंटर कर चुके हैं कॉलेज में, तो वहाँ पर आप काली कमान देख सकते हो। जो काली कमान से एंटर करते ही लेफ्ट साइड में आपको जो है कॉलेज की प्रशासकीय इमारत दिखाई देगी, उसी के बाजू में हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो और उसका नाम भी आप देख सकते हो। तो कॉलेज के अंदर हम एंटर करके आपको और भी कॉलेज में किस तरह का एनवायरमेंट है सब कुछ आपको बताएंगे, तो वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों अभी हम नायब के गेट पे हैं, पीछे आप नायब का जो है डिपार्टमेंट देख सकते हो। यहाँ पर अंदर जो है एग्रीकल्चर के लिए नए नए इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर में मैनफोर्स कम करने के लिए कुछ इक्विपमेंट अंदर बनाए जाते हैं। मैं आपको किस तरह से बनाए गए हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो नायब इस डिपार्टमेंट के अंदर एंटर करते ही आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। नायब के अंदर स्थित एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने वाले रिसर्च आपको हम एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। नई तकनीक से बनाई गई यह एक ऑटोमेटिक ग्राफ्टिंग रोबोट मशीन है। इस मशीन के इस्तेमाल से पौधों की ग्राफ्टिंग प्रोसेस होती है। इस मशीन के कुछ बेनिफिट्स है जो कि इससे मैन पावर भी कम लगेगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्टिंग भी होगी। यह एक दूसरी मशीन है जिसका नाम है 3D प्रिंटिंग मशीन। यह एक सेंसराइज्ड मशीन है। प्लास्टिक रॉ मटेरियल यूज करके एग्रीकल्चर रिसर्च में लगने वाले इक्विपमेंट इस मशीन के थ्रू बनाए जाते हैं। 3D प्रिंटिंग मशीन का यूज करके इस तरह के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बनाए गए हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस इक्विपमेंट का नाम हस्की A200 ट्रेनर रोबोट मशीन है। यह एक रिमोट बेस्ड मशीन है, यह फुल्ली रिमोट से ऑपरेट होता है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर ऑपरेशन में किया जाता है। नायब के कैंपस में एक डिजिटल क्लासरूम है, यहाँ पर स्टूडेंट को डिजिटल तरीके से इंफॉर्मेशन दिया जाता है। कुछ रिसर्च ऑपरेशन डिजिटल तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट को दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों कॉलेज और क्लासरूम में अब तक आपने देखा होगा कि बोर्ड्स पर जो है पेन या पेंसिल से लिखकर आपको
एजुकेशन दिया जाता था, लेकिन इस डिजिटल क्लासरूम में आपको फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड जो है बोर्ड दिखाई देगा जो फुल्ली टच से ऑपरेट होता है। तो दोस्तों, किसान का सबसे फायदेमंद स्प्रेइंग ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप ड्रोन स्प्रेइंग मशीन देख सकते हो। इसके इस्तेमाल से आप खेत में एक जगह रुककर पूरे फसल पर स्प्रेइंग कर सकते हो। यह इजीली ऑपरेट होता है और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल पर स्प्रेइंग करता है। तो दोस्तों, किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद मशीन है। नई तकनीक से बनाई गई यह एक मशीन है जिसका इस्तेमाल करके ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर आप स्प्रेइंग कर सकते हो। इसकी ऊंचाई 30 फीट तक स्थित है। यह एक ऑटोमेटिक कॉटन पिकिंग मशीन है। इसके इस्तेमाल से ऑटोमेटिकली कॉटन पिक किया जाता है। यह एक स्प्रेइंग मशीन है जो सोलर पर वर्क करती है। इस मशीन पर एक 3D कैमरा फिट है जो सेलेक्टिव डिसीज और पेस्ट को आइडेंटिफाई करके उन्हीं पर सेलेक्टिव स्प्रेइंग भी करता है। नाहिप में स्थित और फ्यूचर में होने वाले रिसर्च के कटआउट्स यहां पर लगाए गए हैं। थैंक्स अ लॉट टू डॉक्टर शुपुजे सर, जिन्होंने हमें नाहिप की पूरी जानकारी प्रैक्टिकल तरीके से दी। नाहिप की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम निकल पड़े कॉलेज कैंपस में। इसी कॉलेज कैंपस में आपको ट्रेन की पटरियां भी दिखाई देगी। कॉलेज के कैंपस में आपको एग्रोनॉमी, फूड टेक्नोलॉजी, वेटरनरी, कॉलेज में कुछ हॉस्टल्स भी है। गर्ल्स के लिए सेपरेट और बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल है, लेकिन दगड़ी हॉस्टल यहाँ का फेमस हॉस्टल है। वो हॉस्टल भी हम इस वीडियो में देखेंगे। यूनिवर्सिटी के कैंपस में 3 फ्लोर की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में एंटर करने से पहले आपके स्कूल कॉलेज बैग्स आपको लाइब्रेरी के बाहर रखने पड़ते। लाइब्रेरी में एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी किताबें आपको इस लाइब्रेरी में देखने को मिलेंगी। लाइब्रेरी के साइड में ही BSc एग्रीकल्चर कॉलेज स्थित है। इस कॉलेज के अंदर आपको क्लासरूम, एग्जामिनेशन हॉल, डेयरी एंड इकोनॉमिक्स इस तरीके के कुछ डिपार्टमेंट भी दिखाई देंगे। BSc एग्री कॉलेज के सामने ही आपको वसंतराव नाइक उद्यान दिखाई देगा जो कि कॉलेज का सबसे बढ़िया नज़ारा है। कॉलेज के कैंपस में आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल भी दिखाई देगा। यहाँ पर अन्य देशों से आने वाले स्टूडेंट को रहने की सुविधा की गई है। तो दोस्तों, अब हम दगड़ी हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। यह दगड़ी हॉस्टल का नज़ारा है। यह पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया हॉस्टल है, इसी वजह से इसको दगड़ी हॉस्टल कहा जाता है। इस हॉस्टल का नाम ग्रीष्मा हॉस्टल है, लेकिन सभी इसी को दगड़ी हॉस्टल से जानते हैं। डिसिप्लिन इस हॉस्टल की विशेषता है। हर हॉस्टल के लिए कॉलेज में एक भोजनालय है। हमने बैद्यनाथ हॉस्टल के भोजनालय को भी विजिट किया और खाने का स्वाद भी लिया। खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं अब बैद्यनाथ हॉस्टल के अंदर। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट रूम दिया गया है जो कि ब्लॉक वाइज रखा गया है। हॉस्टल के रूम छोटे हैं,
और इसमें हर एक रूम पर एक टेबल, एक चेयर और एक बेड की सुविधा दी गई है। तो दोस्तों, वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी के बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के थ्रू आपको दिया। तो गाइज, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह के ब्लॉग आपको आगे भी देखने को मिलेंगे।